हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा आपके टर्म टू में। तो ये बोर्ड ने इशू किया है टर्म टू का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। तो ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, ये आपको रीड करना है, पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर आपने करने हैं। तो ये पैराग्राफ जो है बेसिकली वो किस बारे में है? ग्रेटेस्ट एडवांसेज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुई है, जो एडवांसमेंट हुई है, उसके बारे में ये पैराग्राफ है। एंड वन ऑफ देम इज कंप्यूटर्स, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें से एक जो इन्वेंशन है वो क्या है? कंप्यूटर की जो खोज है, जो कंप्यूटर बनाया गया है। तो ये पैराग्राफ जो है वो इसके बारे में है। इसको आप पढ़ें और इसको आप समझें। तो मैं सीधा जो है, जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए, आपने सपोज कीजिए आपने पैराग्राफ को जो है वो पढ़ लिया है, तो उसके बाद जो है वो क्वेश्चन हमें दिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन है, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपने अंडरस्टैंड किया है उसके बेस पे आपने जो है वो आंसर करना है। और आपको एक और एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो इन ऑप्शंस से ही आपको जो है वो आंसर करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है, कंप्यूटर्स सेव रिसर्च वर्कर्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ लेबर। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि कंप्यूटर सेव रिसर्च वर्कर्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ लेबर, ऑप्शन वन, टू, थ्री एंड फोर। कि जो कंप्यूटर्स हैं वो रिसर्च वर्कर्स जो हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके जो हैं वो लेबर जो है, उनका काम जो है वो, उसको जो है वो कैसे वो करते हैं, सेव करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये देखिए आ जाएगा, बिकॉज दे वर्क एक्यूरेटली एंड एट हाई स्पीड दे सेव रिसर्च वर्कर्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। कि कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं, बहुत ही एक्यूरेटली और हाई स्पीड में काम करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर ये है ऑप्शन बी, बाय वर्किंग स्पीडली एंड एक्यूरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, ट्रांसलेटिंग मशीन्स कैन हेल्प अस। तो इसका आंसर जो है वो, जब आप ये देखिए यहाँ से पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, ट्रांसलेटिंग मशीन, इट विल ऑल्सो बी पॉसिबल टू मेक टेनी ट्रांसलेशन ट्रांसलेटिंग मशीन्स। दिस विल इनेबल पीपल हु डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर विदाउट एनी डिफिकल्टी और टू रीड फॉर पब्लिकेशन। तो ये देखिए, जो ट्रांसलेटिंग मशीन है वो हमें क्या हेल्प करती है, ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ फॉरन लैंग्वेज। जो फॉरन लैंग्वेज, विदेशी भाषाएँ जो है उनको जो समझने में जो हमें डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम होती है उसको हम जो है वो ओवरकम करती है, उसको वो कम करती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द फ्यूचर स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर्स विल हेल्प। कि फ्यूचर जनरेशन, जब फ्यूचर में जो है वो जो स्मॉल साइज के कंप्यूटर आएंगे, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, तो वो हमें किस प्रकार से हेल्प करेंगे। इसका ऑप्शन वन है, इन ऑब्टेनिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी है, बाय वर्किंग लाइक अ रेडियो। ऑप्शन थ्री है, इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम ट्रैफिक जैम्स। एंड ऑप्शन डी, ऑल द एबव आर ट्रू। तो जिस भी, जब भी ऑप्शन में आपको ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव मिले, तो वो जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, 90% चांसेस हैं कि वो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ही होगा, ऑल ऑफ द एबव आपने उसको टिक कर लेना है। लेकिन जब आप देखिए पैरा नंबर, ये पैराग्राफ नंबर फोर पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये दिया, ऑर्डिनरी पीपल वुड देन बी एबल टू यूज़ देम टू ऑब्टेन वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। उसके बाद ये देखिए आप, बी एंड वी यूज्ड लाइक रेडियोज, तो उसको आप रेडियोज की तरह जो है वो भी यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को। ऑप्शन बी भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर थ्री देखिए, ये देखिए, अल्टरनेटिव रूट्स वेन दे आर ट्रैफिक जैम्स। तो ये देखिए ऑप्शन थ्री,
इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम ट्रैफिक जैम। तो ये भी तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। एज रिगार्ड्स द लॉन्जिविटी ऑफ अ पर्सन, तो लॉन्जिविटी का मतलब होता है जो लॉन्ग एज, लॉन्जिविटी लंबी आयु जो है। तो ये देखिए एज रिगार्ड्स द लॉन्जिविटी ऑफ पर्सन, तो एक पर्सन की जो लॉन्जिविटी है उसके रिगार्डिंग जो है वो कंप्यूटर्स क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप जब आप पढ़ेंगे तो ये देखिए ऑल्सो बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट एज अ मैन इज गोइंग टू लिव विद द हेल्प ऑफ हिज ब्लड पिक्चर। दो कंप्यूटर्स के साथ वो क्या हो जाएगा, ब्लड पिक्चर के साथ वो उसकी जो कितने एज तक जो एक इंसान है वो जिएगा उसका भी पता लग जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, कंप्यूटर्स विल बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट एज वन इज गोइंग टू लिव। ये जो चार क्वेश्चन है वो हो गए। नेक्स्ट देखिए इसका बी पार्ट है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस दैट हैव द सेम मीनिंग। तो इस बात का ध्यान रखिए आप, हमने कौन क्या वर्ड देखने हैं कि जिनका मीनिंग सेम होगा। तो पहला है इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आविष्कार करना। तो ये देखिए ऑप्शन ए ऑटोमेशन, बी कम्प्लेक्स, सी क्रिएशन और डी ऑब्जेक्शन। तो इनमें से जो क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना, क्रिएट करना, तो इसका सेम मीनिंग हो गया ऑप्शन सी क्रिएशन। नेक्स्ट है कंसीक्वेंस, तो कंसीक्वेंस का देखिए ऑप्शन ए है फेलियर, सेकंड है रिजल्ट, थर्ड है टास्क, डी है इनिशिएट। तो कंसीक्वेंस का मतलब होता है परिणाम और रिजल्ट जो है उसका मतलब भी परिणाम होता है, तो ऑप्शन बी। देखिए थर्ड है सिम्टम, तो सिम्टम ऑप्शन ए है इंडिकेशन, ऑप्शन बी इम्पोर्टेंस, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी परफॉर्मेंस। तो सिम्टम जो है वो उसका मतलब जो है वो सेम मीनिंग क्या है, इंडिकेशन, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, सिम्टम मतलब लक्षण। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आपने एग्ज़ाम में जो है वो ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ दिया होगा उसको आपने पढ़ना है, उसको पहले पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद जो है वो ऑप्शन ऐसे ही आपको दिए होंगे। तो उन ऑप्शंस को है जिस पैराग्राफ में जो ऑप्शन मिलती है उसको आप अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन करते चलें और आपका जो पैराग्राफ जो है वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है नोट मेकिंग उसको डिस्कस करूँगा। तब तक ले थैंक्स।